गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अदर फेज ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। तो कल हमने डिस्कस किए ओरल स्टेज के डिफेंस मैकेनिज्म को। तो ओरल स्टेज में जो हमने डिफेंस मैकेनिज्म देखे हैं, वहाँ पे हमने देखा डिस्प्लेसमेंट, वहाँ पे हमने देखी कंपनसेशन, वहाँ पे हमने देखी डिनाइल, और वहाँ पे हमने क्या देखा, दैट इज सबस्टिट्यूशन। तो ये डिफेंस मैकेनिज्म हमने कल देखे किसमें, ओरल फेज में जो अप्लाई होते हैं। तो आज की जो डिफेंस मैकेनिज्म है, दैट इज द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द इन ट्रेनिंग पीरियड। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखने के लिए कि ओरल फेज में कौन से डिफेंस मैकेनिज्म अप्लाई होते हैं और ट्रेनिंग पीरियड में कौन से डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं, क्योंकि इनको वेरियस फेज में, कुछ बुक्स लिखते हैं फेज में बट कुछ नहीं लिखते हैं। तो आज का जो ट्रेनिंग पीरियड है, इसमें कौन कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म अप्लाई होता है। तो फर्स्ट इज द आइडेंटिफिकेशन। तो फर्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म दैट ऑकरिंग ड्यूरिंग आइडेंटिफिकेशन दिस ट्रेनिंग पीरियड इज आइडेंटिफिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि एक इंसान को बहुत सारे पर्सनैलिटी चेंजेस आती हैं ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड। तो जब इंसान बहुत इंसानों को देखता है तो ही इज आइडेंटिफाइंग हिमसेल्फ लाइक दैट, कि ये डॉक्टर है मैं भी डॉक्टर बनना चाहता हूँ, ये ऑफिसर है मैं भी प्रोफेसर बनना चाहता हूँ, ही इज लाइक लॉयर तो मैं भी लॉयर बनना चाहता हूँ। तो इसको बहुत सारी आइडेंटिफिकेशन मिलती हैं। सेम इज हेयर कि एक इंसान को क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल लेके चलूंगा कि अगर एक पेशेंट है, एक लड़का है या कोई भी लड़की है, तो वो आर गोइंग टू एडमिट इन द हॉस्पिटल, वो किसी जगह जाते हैं तो उसको वहां से एडमायरेशन मिलती है कि अगर ये डॉक्टर है तो मैं भी डॉक्टर बनना चाहता हूँ, अगर ये लॉयर है तो मैं भी लॉयर बनना चाहती हूँ, तो अगर ये प्रोफेसर है तो मैं भी प्रोफेसर बनना चाहता हूँ। तो दैट इज कॉल्ड एज आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि वेरियस इंसान को इस फेज में, ट्रेनिंग पीरियड में बहुत सारे पर्सनैलिटी चेंजेस आते हैं, तो उसकी वजह से उसको बहुत सारी एडमिरेशन मिलती है। तो उस स्टेज को हम बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन, खुद को आइडेंटिफाई करना, लाइक हिम लाइक हर, दैट्स कॉल्ड एज आइडेंटिफिकेशन। वो किस में आता है, ट्रेनिंग पीरियड में आते हैं, दैट्स कॉल्ड एज आइडेंटिफिकेशन। और उसके बाद सेकंड जो चीज, सेकंड डिफेंस मैकेनिज्म दैट ओपनिंग ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड, दैट इज रिएक्शन फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं, रिएक्शन फॉर्मेशन। रिएक्शन फॉर्मेशन मींस टू रिएक्ट, किसी चीज को रिएक्ट करना। फॉर एग्जाम्पल इंसान की बहुत सारी फीलिंग्स होती हैं, एक्सेप्टेबल फीलिंग्स, नॉन एक्सेप्टेबल फीलिंग्स। ये इंसान बहुत चालाक होता है, ये जहाँ पे इसको फीलिंग्स दिखानी होती है ये वहाँ पे दिखाता नहीं, वहाँ पे अपोजिट फीलिंग्स दिखाता है, जहाँ पे इसको जो फीलिंग्स आती हैं वो नहीं दिखाता है, जो होती है वो चीज़ें ये नहीं शो करता है, ताकि फॉर एग्जाम्पल एक इंसान को, एक फ्रेंड है, ही इज विद अ फ्रेंड, इसका फ्रेंड इज गोइंग फॉर अ ग्रेट अचीवमेंट, उसको अचीवमेंट मिली। इट इज द एक इंसान की टेंडेंसी है कि अगर इसको फ्रेंड सक्सेसफुल हो जाता है ना, तो उसकी जलन से फील होती है। बट इसी साइड में, दूसरे साइड में, ही इज नॉट विलिंग टू शो द फीलिंग्स, तो ये फीलिंग्स दिखाता नहीं है। अगर अपने फ्रेंड को फीलिंग्स दिखाएगा, ये बोलेगा, फ्रेंड इसको बोलेगा ये जेलसी अबाउट माई सक्सेस, बट ये यहाँ पे क्या, जो इसकी फीलिंग्स होती हैं, जो एक्चुअल फीलिंग्स होती है वो उनको रिप्रेस करता है, बट ही इज शोइंग अनएक्सेप्टेबल फीलिंग्स टुवर्ड्स हिज फ्रेंड या हर फ्रेंड। So that is called as a reaction for, reaction formation. That is the second defense mechanism that occurs during training. That is called as a transference. तो इस transference means, अगर हम transference की बात करेंगे, transference means to transfer his or her feelings. आई बात समझ, तो अपनी emotions, अपनी फीलिंग्स को दूसरे पे ट्रांसफर करना है। तो सेम इज हियर कि ये एक यहाँ पे ट्रांसफर इसमें क्या करता है, एक सिंपल एग्जांपल मैं लेके चलूंगा कि अगर ही इज इन द हॉस्पिटल या कहीं पे कोई भी जाता है, हम आम जाते हैं, कहीं पे जाते हैं, हम उसको बोलते हैं ये ऐसे लगिए, ये मेरे बेटे जैसा, ये मेरी बेटी जैसी है, या ये मेरे भाई जैसा है, तो हम ऐसे बोलते हैं, इसके हम शक्ल होते हैं। तो सेम इज हियर, यहाँ पे भी क्या इंसान करता है कि अगर किसी इंसान को, फॉर एग्जाम्पल किसी डॉटर की डेथ हुई होती है, किसी एक बेटे की डेथ हुई होती है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, जब हम किसी जगह जाते हैं ना, तो वहाँ पे हमें सेम टू सेम बोलते हैं, इट मीन्स निचिस यू, इट मीन कोर यू, तो सेम टू सेम वहाँ पे बोलते हैं। और वो इंसान क्या करता है, जो उसके अंदर वो पॉजिटिव फीलिंग्स होती हैं,
जो उसके अंदर वो पॉजिटिव फीलिंग्स होती है, ये पॉजिटिव फीलिंग्स इस इंसान पे शो करता है, दैट इज वो अपनी जो इमोशंस हैं, पॉजिटिव इमोशंस हैं, वो ट्रांसफर करता है टू द सेम पर्सन जो इसको अपने बेटे जैसा होता है, जो अपनी बेटी जैसा होता है, दैट इज कॉल्ड एज द ट्रांसफरेंस। ओके, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म इज दैट इज कॉल्ड एज द सप्रेशन, दैट इज कॉल्ड एज द सप्रेशन। तो सप्रेशन मीन्स टू सप्रेस द इमोशंस, टू सप्रेशन मीन्स दैट इज suppression means to suppress the emotions. So suppress the जो actual emotions हैं वो इनको suppress करता है, और जो unpleasant emotions हैं, for example एक couple हैं, तो male is working in the office, तो उसको एक wife ने message की कि I am going to divorce you. तो ये इंसान क्या करता है, ये आप इसके friends होते हैं ना, ये उनको actual feelings नहीं दिखाता है, ये उनको reason मांगता है why she divorced, but actual reason ये नहीं, मतलब अपनी actual emotions उनको ये दबाता है, वो बस उनको reason होता है why इसने क्यों किया, तो that means अपने friends के सामने वो अपनी emotions को show नहीं करता है, that is called as suppression. This is the second defense mechanism that occurs during the training period. तो उसके बाद next defense mechanism that is called as sublimation. Sublimation means जो अपनी positive defense mechanism है, इसमें क्या होता है कि इंसान को अगर किसी untoward कोई ख्याल आएगा, untoward कोई idea आएगा, okay, that is disadvantageous to the person. ये इंसान क्या करता है, इस sublimation में जो ये untoward ख्याल है, ये जो गलत ख्याल है, ये इसको करता है convert into a useful goal. For example, एक इंसान को आती है sexual desire. अगर इंसान को सेक्सुअल डिजायर आती है, ये क्या करता है, इस सेक्सुअल इस अनयूजफुल डिसएडवांटेजेस इवेंट को ये कन्वर्ट करता है इन यूजफुल गोल, फॉर एग्जांपल इसको सेक्सुअल डिजायर है, ये क्या करता है, ये इसको कन्वर्ट करता है, ये एक पोएट्री करता है, ताकि जो इसका गलत दिमाग में आइडिया है उसको सब्लिमेट करता है विद द यूजफुल गोल, दैट इज कॉल्ड एज द सब्लिमेशन। तो उसके बाद नेक्स्ट हमने डिस्कस किया जो डिफेंस मैकेनिज्म है, किसमें, ड्यूरिंग लेट, और उसके बाद पहले हमने किया ओरल फेज, और नेक्स्ट फेज ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।